So guys, we are back in watercolor again. भाई इतने दिनों से मैं आप लोगों को दे रहा था कमीशन वर्क, पैकेजिंग, कमीशन वर्क, प्राइसिंग, ये सारे प्रॉमिस्ड वीडियो थे जो मैंने आप लोगों को दिए हैं। जिन्होंने भी अभी तक नहीं देखा है वो आई कार्ड में चेक कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ जायरो के बारे में, जो कि एक बहुत ही अमेजिंग वेबसाइट बिल्डिंग प्लेटफॉर्म है जिसपे आप बिना किसी कोडिंग के वेबसाइट बना सकते हो खुद की। इसमें AI बिल्ड राइटर भी है। अपना पोर्टफोलियो अगर आप बनाना चाहते हो, अगर उसके बारे में आपने लिखा उसमें, तो ऑटो जनरेटेड होके आ जाता है जिसमें आप माइन्यूट चेंजेस अपने अकॉर्डिंग करके कस्टमाइज करके अपलोड कर सकते हो। ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप पिक्चर्स को अपलोड कर सकते हो। 50+ पेमेंट ऑप्शंस हैं इनके पास। और जो सबसे अलग चीज मैंने देखी है, 100+ डिजाइनर टेम्पलेट्स हैं इनके पास जो कि बिल्कुल फ्री हैं। ये बहुत ही रेयरली देखने के लिए मिलता है। आप अपनी सारी की सारी वेबसाइट, जितने भी इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, शिपिंग है, पेमेंट ऑप्शन है, ये सारी एक जगह से कंट्रोल कर सकते हो बहुत ही सीमलेसली। इससे जितनी भी वेबसाइट बनती है वो बहुत ही फास्ट रहती है मोबाइल पे, टैबलेट्स पे और डेस्कटॉप पे। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाके आप चेक कर सकते हो। अगर आपको सुटेबल लगता है आप अपने पोर्टफोलियो बना सकते हो, ऑनलाइन आर्ट सेल कर सकते हो या कमीशन वर्क के लिए डाल सकते हो। यहाँ पे कूपन कोड दिख रहा होगा मेरा, आप वो कूपन कोड मारोगे तो आपको एक्स्ट्रा 30% ऑफ मिलेगा। और अभी मैं आ गया हूं मोनोक्रोम स्टडीज के साथ। कुछ लोगों ने नाम सुना होगा, कुछ लोगों ने नहीं सुना होगा, लेकिन ये बहुत ही पावरफुल टेक्निक है जिससे आप वाटर कलर बहुत ही ड्रास्टिकली इंप्रूव कर सकते हो। वाटर कलर एक ऐसा मीडियम है जिसमें आप टेम्प्ट हो जाते हो कलर्स ट्राई करने के लिए। मोनोक्रोम पेंटिंग मींस पेंटिंग इन अ सिंगल ह्यू। अगर आसान शब्दों में बताऊं तो सिंगल एक कलर से आप जो भी पेंटिंग बनाओगे उसे मोनोक्रोम पेंटिंग बोलेंगे। मोनोक्रोम स्टडीज आज से नहीं, बहुत टाइम पहले से यूज की जाती है, बट आज के 20th और 21st सेंचुरी में बहुत ज्यादा फेमस है। मोनोक्रोम स्टडीज बहुत हेल्पफुल होते हैं आपको टोनल वैल्यूज फाइंड करने के लिए और टोनल वैल्यूज को समझने के लिए। टोनल वैल्यूज क्या होते हैं? टोनल वैल्यूज सिंपल शब्दों में बताऊं तो लेयर बाय लेयर जब आप डार्क करते हो वाटर कलर में वॉशेस के थ्रू, उसे टोनल वैल्यूज बोलते हैं। आप अगर जितना लाइट छोड़ोगे तो पेपर तो बिल्कुल लाइट होता है, व्हाइट होता है, आप अगर उसे व्हाइट छोड़ दोगे उसके बगल में और एक लेयर लगाओगे, उसके ऊपर और एक लेयर लगाओगे, उस तरीके से टोनल वैल्यूज बढ़ेंगी, उसकी डार्कनेस वेरी करेगा क्योंकि आप वॉशेस अलग अलग टाइम पे लगाओगे उस पर, एक के बाद एक सूखने के। इस चीज को मैं डिटेल में आपको पेंटिंग में समझाता हूँ क्योंकि ऐसे समझना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, आज मैं यूज करूंगा ब्रस्टो मॉब ब्रशेस जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्रशेस हैं और अमेजोन पे आप लोगों को अवेलेबल हो जाएंगे। लिंक मैं हर चीज का डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। कुछ भी प्रोडक्ट के बारे में अगर आपको जानना हो तो पूछना मत, सीधे लिंक चेक करो और वहां से परचेज करो। तो ये सेलिनियर वाटर कलर से मैंने पेंटिंग ऑलरेडी बना दी है, वो आपको आई कार्ड में मिल जाएगा। कैमिल से भी मैंने बनाई है, वो भी आपको आई कार्ड में मिल जाएगा। और आज मैं जो यूज करने वाला हूँ वो विंसेंट न्यूटन का कॉटमैन बर्न टम्बर है। विंसेंट न्यूटन और कैमिल के बीच में कंपैरिजन मैंने किया है, अगर वो वीडियो आपको देखनी है तो वो भी आप आई कार्ड में चेक कर सकते हैं। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैंने विंसेंट न्यूटन से अभी तक एक भी प्रॉपर पेंटिंग नहीं बनाई है और आज मैं यूज करने वाला हूं इसे। स्केचिंग मैंने कंप्लीट कर ली है। जब भी आप स्केचिंग करते हो वाटर कलर के लिए वो डिफरेंट होती है क्योंकि आपको बहुत ही लाइट करना होता है, बट साथ ही साथ आपको जितने भी फीचर्स हैं वो डिफाइन करने होते हैं जिससे आपको गाइडेंस मिले वाटर कलर करने के टाइम पे। नहीं तो ट्रांसपेरेंट मीडियम है उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, वाटर कलर पेंटिंग आपकी जो बनेगी एंड रिजल्ट जो होगा वो उतना क्लीन नहीं दिखेगा अगर आपने बहुत डार्क स्केचिंग की है तो। तो अभी मेरे पास वाटर कलर पेंटिंग स्टैंड तो नहीं है, बट मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ मैं किस तरीके से पेंटिंग को इंक्लाइन करता हूँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप कोई भी वाटर कलर पेंटिंग कर रहे हो। तो इस तरीके से मैं इंक्लाइन कर देता हूँ और ये यहाँ से न सरके इसके लिए मैं यहाँ पे ये लगा देता हूँ और ये मेरा सेटअप हो गया रेडी। मोनोक्रोम में ऑब्वियसली आपको एक सिंगल कलर से ही पेंट करना है, लेकिन जब इतने सारे ऑप्शंस हो तो आप सिंगल कलर चूज कैसे करोगे, यह आपके टोटली सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने नेचर से रिलेटेड सब्जेक्ट लिया है तो आप ब्लू टोन के साथ जा सकते हो, और कुछ लोग ब्लू टोन पोर्ट्रेट्स में भी यूज़ करते हैं,
बट मैं आपको कहूँगा कि पोर्ट्रेट जब भी आप चूज करो तो सब्जेक्ट ध्यान रखते हुए करो, जो एज है, जो पर्सन की एज है उसके अकॉर्डिंग कलर चूज करना बहुत अच्छा होगा। जैसा कि अगर आप ओल्ड मैन बना रहे हो तो ये बर्नट अंबर आपके लिए अच्छा होगा क्योंकि ये अर्दी टोन है। देखो गाइज, ये नेचुरल फॉर्म में जब ये होता है तो ये रॉ अंबर होता है, बट इसे जब हीट किया जाता है तो बर्नट अंबर बनता है, इसीलिए इसका नाम बर्नट अंबर है। कुछ ग्रीनरी से रिलेटेड है तो आप सिंगल ग्रीन कलर यूज़ करके भी डिपिक्ट कर सकते हो, बट मैंने अक्सर देखा है कि ब्लू कलर ही यूज़ करते हैं लोग। और ऑब्वियसली अगर आप सैप ग्रीन यूज़ करोगे, ये ग्रीन नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि मोनोक्रोम पेंटिंग है। एक फैमिली के भी कलर को यूज़ नहीं कर सकते, आपको सिंगल कलर को यूज़ करके ही ड्रॉ करना है। ये वाला जो ब्लू कलर है ये आप यूज़ कर सकते हो किसी भी सीनरिक व्यू में। और अगर आप किसी गर्ल या किसी चाइल्ड की पोर्ट्रेट बना रहे हो तो बर्न सियना भी यूज़ कर सकते हो आप, और ऑरेंज टिंज में भी कलर यूज़ कर सकते हो, ऑरेंज कलर से भी बना सकते हो, रेड से भी बना सकते हो, कोई ऐसी लिमिटेशन नहीं, आप कोई भी कलर चूज़ कर सकते हो। बट अगर आप एज के अकॉर्डिंग चूज़ करोगे तो मुझे लगता है पोर्ट्रेट काफ़ी निखर के आएगी। तो मैं आज यूज़ करने वाला हूँ बर्नट अंबर। मोनोक्रोम पेंटिंग का क्रेज 17 सेंचुरी से शुरू हुआ और रफाएल, माइकल एंजिलो, लियोनार्डो ऐसे बड़े बड़े पेंटर्स यूज करते थे मोनोक्रोम पेंटिंग को। मोनोक्रोम पेंटिंग से आप टोनल वैल्यू, शेडोज, वॉल्यूम इन सब के बारे में बहुत ही अच्छे से समझ पाते हो। और आप अगर ऑयल पेंटिंग करोगे मोनोक्रोम पेंटिंग करने के बाद तो और बेहतर तरीके से कर पाओगे, क्योंकि मोनोक्रोम पेंटिंग हेल्प करती है आपको समझने में। एक सिंगल कलर से आप बनाते हो तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आता है कि किस तरीके से आपको लाइट, डार्क, शेडोज देने हैं, वॉल्यूम कैसे देना है, ये सारी चीज़ें समझ में आती है।
गाइज वीडियो लेट होने के लिए सबसे पहले मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ। इसे बनाने में मुझे 3 दिन लग गए। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।